पुणे ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को मनोरमा खेडकर के बानेर स्थित बनवेले की तलाशी ली, जिन्हें एक किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने पिस्तौल, 3 गोलियां और 1 लग्जरी लैंड क्रूजर कार जब्त की। दौंड तालुका के कैट गांव पुनर्वसन के किसान पांडुरंग कोडिबा पासलकर की शिकायत के आधार पर मनोरमा खेडकर, उनके पति दिलीप खेडकर, उनके अंगरक्षक और 7 अन्य के खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश शिलिमकर के अनुसार, स्थानीय अपराध शाखा ने गुरुवार रात को महाड में मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा की एक टीम ने बानेर स्थित नेशनल हाउसिंग सोसाइटी स्थित खेडकर के बनवेले की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मनोरमा खेडकर की मौजूदगी में पुलिस ने किसान को धमकाने के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त की। फुटेज में खेडकर को एक लग्जरी लैंड क्रूजर में घटनास्थल पर पहुंचते हुए दिखाया गया, जिसे भी जब्त कर लिया गया। बनवेले की तलाशी के दौरान चतुश्रृंगी पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराए। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेडकर को बंदूक का लाइसेंस जारी किया था। पता चला कि खेडकर ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया था। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने खेडकर को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। नोटिस में कहा गया है कि खेडकर को 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। विवादास्पद IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को कथित तौर पर किसानों को बंदूक से धमकाने के आरोप में रायगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पता चला कि मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर झूठी पहचान के साथ होटल में ठहरे हुए थे। होटल रजिस्टर के अनुसार गिरफ्तारी से पहले दंपति पार्वती निवास होटल में इंदबाई धकने और दादा साहेब ज्ञानदेव धकने के नाम से ठहरे थे।